हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेके आ गए नया अपडेट और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल लेटेस्ट नर्सिंग। साथियों, नवोदय विद्यालय के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यहाँ पे परमानेंट जॉब देखने को मिलेगी, वो भी स्टाफ नर्स की। सबसे खुशी की बात यह है साथियों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी आपको। फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। 1 लाख से ऊपर आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, खुशखबरी है। और दूसरी बात, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती की पूरी जानकारी के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ऑफिशियल लेटर हमने डाउनलोड कर लिया है। इस ऑफिशियल लेटर को डाउनलोड करने के लिए आपको नवोदय विद्यालय की जो समिति है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से नहीं कर सकते तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, लेकिन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं स्टाफ नर्स के बारे में। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर साथियों अलग अलग डिपार्टमेंट से पोस्ट देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये असिस्टेंट कमिश्नर की है ग्रुप ए वाली। दूसरी बात यहाँ पे, और ये देख सकते हैं तीसरे नंबर पे, यहाँ पे देख रहे होंगे फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी, पोस्ट कोड भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरियों वाइज इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि जनरल में जो है 35 पोस्ट हैं, EWS में 7 हैं, OBC NCL में 22 हैं, SC और ST में 12 और 6 हैं। टोटल मिला के यहाँ पे जो आपकी सीट हो रही है साथियों 82, ठीक है। उसी तरीके से अदर में जो अलग अलग कैटेगरी हैं उसके बाद में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। दूसरी बात, ये बहुत सारी पोस्ट हैं लेकिन स्टाफ नर्स से सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कब से कब तक अप्लाई करने हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पे स्केल देखिए, पे स्केल कितना रहने वाला है आपका, लेवल 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। सॉरी, ये जो सैलरी है फॉर असिस्टेंट कमिश्नर की है, मैं आपको स्टाफ नर्स की बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, स्टाफ नर्स की जो सैलरी आपको मिलने वाली है, यहाँ पे जो फीमेल स्टाफ नर्स की है, पोस्ट कोड 03 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे स्केल जो है लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है 44,900 से 1,42,400, ठीक है, इन द पे मैट्रिक्स। और अपर एज लिमिट क्या है, यहाँ पे अप टू 30 ईयर, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सबसे खुशी की बात ये है साथियों, इसमें आप सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, GNM या BSc नर्सिंग वाले, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन हॉस्पिटल, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग गया है। रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग, यानी कि किसी भी स्टेट से आप नर्सिंग किए हुए हों अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डिजायरेबल मांगा है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, वो सभी को होती है। उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो बता रहा हूँ वो एकदम सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद में हम जो है आगे की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपके जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है, देखिए यहाँ पे बताने वाले हैं आपको हम फॉर्म कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी फीस जो है आपकी थोड़ी ज़्यादा लगने वाली है, लेकिन जॉब भी काफ़ी अच्छी है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे बताया गया है 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले। मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कब से हो जाएंगे, 12/1/2022 से हो गए हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन जो क्लोज कब तक हो जाएंगे, 10/2/2022 तक। और फीस डिपॉजिट ओपन कब तक है, 22/1/2022 तक। और फीस क्लोज 10/2/2022 तक, ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ CBT, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है लगभग 9/3/2022 से 11/3/2022 तक, आपके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी फिक्स कर दी गई है, जिससे आपको पता लग जाए और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो भी आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, इन कैंडिडेट को यहाँ पे इन इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाती है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वैकेंसियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए लेटेस्ट अपडेट इतना ही, नेक्स्ट अपडेट जल्दी से लेके आते हैं। धन्यवाद।